भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, इस सृष्टि के रचना के बारे में फिर पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वापिस वापिस जब क्रिएशन समझाया जाता है तो लाइक वो कोई केमिकल रिएक्शन की तरह नहीं है, तो हर प्रीचर जो अपने स्टाइल से उसको समझा रहे हैं अलग अलग एंगल से। तो इसमें ऑलरेडी विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान अपने हृदय में जो जगह है वहां पे खुद अपने आप को एक्सपांड करते हैं, यानी गर्भोदक्षाय विष्णु की तरह और महाविष्णु की तरह क्रिएशन अंदर में ही है। तो अभी हम जहाँ हैं वो भगवान के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो देव विदाई करते हैं, इसके बारे में कृपया करके बताएं, ऐसा वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और इस दिव्य ज्ञान को अर्जित करते हैं जो अनेक आचार्यों ने अलग अलग माध्यम से अर्जित किया और व्यास देव ने हम सबको बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यधिष्ठारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम सब तृतीय स्कंध के पांचवे अध्याय के सातवें श्लोक में हैं, छठे तक कल किए थे। क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेद ही मनो न तृप्यत्यपि शृणवताम नः शुश्लोक मौले चरितामृतानि। आप में से कोई अनम्यूट है, आवाज आ रहा है? श्रीनाथ जी प्रभु आपका म्यूट कर दी। यू मे नरेट ऑल्सो अबाउट द ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉर्ड इन हिज डिफरेंट इनकार्नेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्वाइस बॉर्न द काउस एंड द डेमीगॉड्स। Our minds are never satisfied completely, although we continuously hear of his transcendental activities. तो विदुर जी यहाँ कह रहे हैं कि आप कृपया करके भगवान के जो भी लक्षण शुभ लक्षण है, यानी जो भी उनकी लीलाएं हैं और जो भी उनके कार्य हैं, तो स्पेशली हम सबके जीवन में पवित्रता लाने वाली है, कृपया करके उन्हें वर्णन करें। हाँ, क्योंकि देखिए जीव बहुत अभागा होता है, जीव कितना भी मेहनत कर ले कुछ ना कुछ उसके जीवन में त्रुटियां रह जाती हैं, कठिनाइयां रह जाती हैं। कई बार सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मन खिन्न रहता है। अगर मन प्रसन्न है, बाहर का सब कुछ प्रसन्न है, तो जो संग है हमारा वो हमारा उस प्रकार से नहीं हो पाता जैसे होना चाहिए। तो ऐसे अनेक प्रकार के चैलेंजेस हैं, इसलिए जीव जो है अपने आप को हमेशा अशुभ स्थिति में ही मानता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भगवान का कल्याणकारी नाम कीर्तन हम कर लें तो हमारे जीवन में भी शुभ सब कुछ हो जाए। इस पे एक बहुत अच्छा श्लोक है जो कल मेरे पढ़ने में आया था, तो मैं सोचा आपसे शेयर करूंगा। ये शुक्राचार्य जो हैं, ये वामनदेव से कहते हैं ये चीज, भगवान के नाम की महिमा बताते हैं वो कि कैसे अशुभ से अशुभ स्थिति भी शुभ हो जाती है भगवान के नाम से। सुनिए बहुत सुंदर मंत्र है ये, आठवें स्कंद का 23वें अध्याय का 16वां श्लोक है। शुक्राचार्य कहते हैं, मंत्रस्तंत्रश्चिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। देर आर मेनी डिस्क्रिपेंसीज इन प्रोनाउंसिंग द मंत्रस एंड ऑब्जर्विंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, एंड मोर ओवर देर मे बी डिस्क्रिपेंसीज इन रिगार्ड टू टाइम प्लेस पर्सन एंड पैराफर्निलिया, बट वेन योर लॉर्डशिप्स होली नेम इज चैंटेड एवरीथिंग बिकम फॉल्टलेस। हाँ, तो आपका जितना भी
आपका एक बार नाम ले लिया किसी ने, तो चाहे कितना भी बाकी फॉल्ट हो हम में, मंत्र लेते वक्त या कोई भी विद्या ग्रहण करते हो या कोई भी कार्य करते हो, तो केवल आपका नाम मात्र ले लेने से वो सारे जो उसके फ्लॉज हैं यानी फॉल्ट्स हैं वो सब हट जाते हैं। इसलिए कई बार हम लोग कितना भी कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। जैसे आप अगर कुछ स्पिरिचुअल एक राइटअप लिख रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हो, लेकिन अगर उसमें आपने भगवान के नाम को ग्लोरीफाई किया है तो कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपने ओरिजिनल मेडिसिन दिया है, जो निचोड़ है वो दिया है। समझो अगर आप कोई भगवान के लिए सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं या गा रहे हैं, और हो सकता है उसका ताल लय और उसका जो भी संगीत का पार्ट है वो ना बैठ रहा हो, लेकिन क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया गया है और उसमें भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई प्रीचिंग कर रहा है वो खुद भी प्योर हो ना हो, लेकिन अगर वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है तो सही है। एक बार राधा गोविंद महाराज जी को किसी ने पूछा कि महाराज जी, हम लोग इतने पवित्र तो है नहीं, हम लोग तो साधक हैं, अनेक अनर्थों से जूझते हैं। तो महाराज जी और बोले, लेकिन हमको अभी भी नहीं समझ रहा कि हम लोग जब किसी को बोलते हैं तो वो कैसे क्या भक्ति बन जाते हैं, हमको आश्चर्य हो रहा है। तो महाराज जी बोले, घर में झाड़ू रखा होता है ना, झाड़ू वो बहुत गंदा होता है, झाड़ू मार मार के कचरा लग जाता है उसको, लेकिन वो झाड़ू से घर साफ हो जाता है। वैसे अगर आप में केवल भगवान की नाम की महिमा आपको पता है और आपने प्रचार कर दिया, तो सामने वाला अगर उस नाम को ग्रहण कर ले तो वो पवित्र हो जाएगा, है ना। तो ये फर्क है। जैसे पुंडरीक जो थे, जो भगवान विट्ठल जी के महान भक्त थे, वो पहले भक्त नहीं थे, पहले वो एक भोगी थे। उनके माता पिता एक प्रकार से भक्त थे, तो उनके माता पिता जब जाते थे यात्रा में, तो एक बार वो अपना माता पिता का पीछा करके आए थे देखने के लिए, जाते कहीं तो उनको दर्शन हो रहा, तभी गंगा यमुना सरस्वती तीनों माताओं का दर्शन हुआ था, और तब उन्होंने भी भक्ति शुरू कर दिया, और इतना कर दिया कि भगवान स्वयं उनके घर पे दर्शन देने आए। वहाँ विट्ठल जो भगवान है वो वही पंढरपुर में उनको दर्शन देने आए थे। हाँ, युगे 28 विटेवरी उभा, 28 युगों से जो भगवान ईट पे खड़े हैं, और वो ईट और कोई नहीं, वो इंद्र है। उसको भी श्राप मिला था तो पत्थर हो गया, तो उसको भगवान के चरणों का वो बनने को मिला। अपने आप पे भगवान को खड़ा रखने में और क्या चाहिए इससे ज्यादा भाग्य। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तीन चीजें कभी भी जो है इनका बेनिफिट होता है अगर आपका थकते हैं तो। कौन तीन है? एक है ब्राह्मण, टॉइस बॉर्न, द्विज 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 यानी टॉइस बॉर्न। टॉइस बॉर्न का मतलब है कि नॉर्मल व्यक्ति जो माता पिता से जन्म लेता है फर्स्ट बर्थ होता है, लेकिन जन्मनात जायते शूद्र संस्कारात भवे द्विज, और संस्कार में वो द्विज हो जाता है। वो जो है अपने गुरुजनों से या अपने शिक्षा गुरुओं से जब वो संस्कार लेता है, जब कुछ सीखता है, तो वो बन जाता है द्विज यानी टॉइस बॉर्न। अब वो जो है अपने जीवन को इस प्रकार से ढालता है कि वो है ना भगवान का स्मरण कर सके। दिन में 3 बार तो गायत्री के माध्यम से, और बाकी नाम जप के माध्यम से, भगवान की सेवाओं के माध्यम से, तो वैसे वो द्विज कहा जाता है यानी टॉइस बॉर्न, अगेन जो रिबॉर्न हो जाए। तो ऐसे जो द्विज हैं वो जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इसलिए विदुर जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए। और दूसरा कैटेगरी है गाय, क्योंकि तो गाय जो है हमें दूध देती है, में मैन्योर देती है, हम सबको अगर कहीं है भी तो इतने ऑस्पिशियस सारे 33 कोटि देवता उधर वास करते हैं। तो ऐसा कहते हैं अगर गाय किसी के घर में है तो वहां इनऑस्पिशियस होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, वो सारा नेगेटिविटी खींच लेती है। तो गाय हमें सारा न्यूट्रिशन भी प्रदान करती है, बैल हमारी रक्षा करते हैं, हमारा खेत जोतने में मदद करते हैं। हालांकि आजकल ट्रैक्टर और ये सब आ गया है, लेकिन कितना भी करिएगा तो ये आर्टिफिशियल, इसे ज्यादा फायदा नहीं है और ज्यादा दिन ये चलेगा भी नहीं। जो ये ऑयल का रिजर्व खत्म होगा वो इमिडिएटली पहले तो ये जो जो नेचर से चल सकते हैं उनको खत्म कर देंगे, यानी ट्रैक्टर वैक्टर को खत्म कर देंगे, और तभी लोग गाय और बैल खोजेंगे। आज गाय गाय और बैल को छोड़ दे रहे हैं, कई बार तो हिंदू ही बेच देते हैं। और क्या परिणाम, आपने गाय बैल बेचा इधर बांग्लादेश में रिलीफ के नाम पे, अगर कोई हिंदू रिलीफ ले रहा है मुस्लिम से तो उसका जनेऊ काट के दे रहे हैं, उसका गले का कंठी तोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो
अगर हम धर्म नहीं करेंगे, हमारे गाय और बैल का रक्षा नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अधर्म का अधर्म के सहारे जीना पड़ेगा, जो अपने आप में दुर्भाग्य है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जी के यहाँ विदुर जी भी कह रहे हैं कि गाय की भी प्रसन्नता उसमें सम्मिलित है। तो दुर्भाग्यवश ये है कि शहरों में जो मंदिर हैं, जो प्रचार करते हैं, वो गाय भी नहीं रखते, वो गाय का एक फोटो रख देते हैं और अपने आप को गाय प्रेमी बताते हैं। गौशाला में जाके गाय को धोते तक नहीं लेकिन एक छोटा गाय का पुतला रख देंगे और देखेंगे हम कितने गाय के बड़े भक्त हैं। और उधर हुंडी भी रख देंगे, मतलब फोटो का गाय का पैसा, गाय को जाता भी नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य बात है। और तीसरे हैं देवता। देवता लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देवता जो हैं, ये जब देश भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि ये मिश्र भक्त होते हैं, ये शुद्ध भक्त तो होते नहीं। और देवता कौन बनते हैं? जो बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं और जो बहुत ही पुण्य कमाए हुए हैं, शुचि नाम श्रीमताम ये योग भ्रष्ट हो भी जाए थे। हाँ, उन सबको ये महान शरीर मिलता है जो योग के मार्ग पे थे परंतु उस योग को पूरा नहीं कर पाए, वो तीव्रता से उसको पूरा नहीं कर पाए, तो उन्हें जो है योग भ्रष्ट कहा जाता है। और ऐसे को शुचि नाम श्रीमताम ये श्रीमंत घर में या संपन्न घर में या किसी ब्राह्मण या तेजस्वी व्यक्ति के घर में जन्म मिलता है, और उनसे भी ज्यादा जो पुण्य करते हैं उनको देवता का स्वरूप मिलता है स्वर्ग में, तो इनका भी उद्धार हो जाता है, ये यहाँ पे कहा गया है। और तीसरा जो है ये देवता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो जो शास्त्र है, जो नॉर्मल न्यूज़पेपर, इसमें न्यूज होता है लेकिन वो न्यूज बासी हो जाता है एक दिन बाद। यानी आज आपने जो न्यूज पढ़ा, बड़े आप जोश में पढ़ते हैं कि आज यहाँ बम फटा, यहाँ इसकी आशंका है, इसकी ये संभावनाएं है, और आप बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आज से रिलेटेड है, लेकिन एक दिन बाद वो बासी खबर हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत जो है ये बासी नहीं होता, ये आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, बट द ब्यूटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर लाइक भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम इज दैट दे नेवर बिकम ओल्ड। इसलिए अभी 5,000 साल भी हो गए तो भी गीता को रोज लोग नित्य रूप से पढ़ रहे हैं और उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो उसको जीवन में उतार दे वो तो मतलब रियलाइजेशन से भर जाएगा, साक्षात्कार से भर जाएगा। तो इसलिए विदुर जो है वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत बार पहले सुना है। हाँ, यहाँ लिखा है विदुर माइट हैव हर्ड द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड मेनी मेनी टाइम्स बिफोर ही मेट मैत्रेय, बट स्टिल ही वांटेड द सेम नरेशंस टू बी रिपीटेड बिकॉज ही वाज नेवर सैशिएटेड बाय हियरिंग देम। दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड्स ग्लोरियस पास्ट टाइम्स। तो विदुर जी ऑलरेडी भगवान की सारी लीलाएं सुन चुके थे लेकिन वो पुनः पुनः सुनना चाहते थे, पुनः पुनः जानना चाहते थे। तो उसका आनंद बढ़ते जाता है क्योंकि उसमें जब आप भक्ति का रस लेते हैं ना तो और सुनने का मन करता है, लेकिन उसमें आप डिटेल में जाएंगे क्या स्टोरी था, कितनी बार हुआ, अरे तो पता चल गया, तो व्यक्ति क्या बोलता है, हाँ मुझे पता चल गया। लेकिन अगर वो उस रस में जाएगा तो बोलेगा नहीं मुझे पता चल गया, क्योंकि जितना रस लीजिएगा उतना अंत नहीं है उसका। हाँ, तो इसलिए वो कभी वो नहीं होता। तो मैत्रेय मुनि से मिलने से पहले भी भगवान विदुर जी ने अनेक बार सुना, फिर भी पुनः सुनने की इच्छा कर रहे हैं। एक बार गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे स्वयं और गदाधर पंडित राधा रानी थे, और जब गदाधर पंडित रोज क्षेत्र संन्यास लिए थे जगन्नाथपुरी में तोटा गोपीनाथ मंदिर में बैठ के वो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, तो उनके पास जो कॉपी था वो ऑलमोस्ट आंखों से आंसू आके गीला हो गया, क्योंकि जब वो भागवतम पढ़ते थे भक्तों का भाव समझते थे तो उनकी आंखों में आंसू आता था। और ध्रुव और चैतन्य महाप्रभु वहां आके बोलते थे और एक बार पढ़ो, ध्रुव का लीला महाप्रभु बार बार सुनने को सुनाते थे। माफ करिएगा। तो वो उन्हें वो पानी देना, तो वो उनको बार बार ध्रुव महाराज की लीला कहते थे आप वापिस सुनाओ वापिस सुनाओ, उनका मन नहीं भरता था। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे और एक बार सुनाओ। तो आप वापिस सुनाओ वापिस सुनाओ, वो सुनाते रहते थे।
और महाप्रभु सुनते थे और गदाधर पंडित उसमें रोते थे, गंगा भागवत से गीला हो गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको कोई लीला एक बार सुन लिया और वापिस सुनने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने लीला को सुना ही नहीं। लीला के अंदर जो भक्ति का भाव है, जैसे हम लोग कई बार हर जन्माष्टमी को हर सेंटर में हर मंदिर में ऑलमोस्ट 99% मंदिरों में एक ड्रामा कंपलसरी होता है, बताइए कौन सा। आप उसको देखने के बाद भी मन नहीं भरता, फिर अगली बार देखने का मन करता है, बताइए कौन सा। यस ऑनलाइन ड्यूटीज, यस पूजा बता। नरसिंह कृष्णा देव प्रभु जी जी का, नरसिंह इनका देव जी का, प्रभु नहीं, भक्ति जी कृष्ण वाला है, जन्म कृष्ण लीला का, लीला, कृष्ण कृष्ण लीला, कृष्ण जन्म का, जन्म, ठीक है। सुदामा का, अटकी तो सुदामा का प्रभु जी, सुदामा। सुदामा गाना है ना, चले आए मोहन क्या वो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, वो स्टैंडर्ड सॉन्ग है, लेकिन वो उसमें सुदामा एकदम से आता है, देखता है द्वारपाल, आ, आ, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, ऐसा करके। वो एक अच्छा सॉन्ग है ना, हमारे कृष्ण लाल जी सुना सकते हैं, वो सुनाते हैं हर बार। हाँ सुदामा का, मेरे यार सुदामा रे भाई गणे दिना में आया, तो वो वाला सॉन्ग भी है। तो हम लोग सुदामा के लीला इतनी बार सुनते हैं, इतनी बार गाते हैं, इतनी बार उसको श्रवण करते हैं, इतनी बार कथा करते हैं, फिर भी उसमें जो भगवान और सुदामा की जो मैत्री है और उसमें जो प्रेम है, उसको समझने के बाद हम वो वापिस सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसमें सुदामा का भक्ति और भगवान के अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम सौहार्द भाव है, उसका उसमें दर्शन होता है। उसी प्रकार भगवान की हर एक लीला में अगर भगवान दर्शन दे रहे हैं, मतलब उसमें ये सब है, तो भगवान के उन सब चीजों को जब आप दर्शन लेंगे, तब आपको वो लीला पुनः सुनने का मन करेगा, चले और एक बार और एक बार और एक बार, आहा ऐसे होगा। अगर आप उसमें से केवल डिटेल सुनेंगे, अच्छा 1985 में एक बार कोई पोस्ट आया था, अभी कौन सा आया था, कृष्ण का जन्म हुआ था तब वो कितने दिन के थे, तो भूतना को मारा कितने दिन थे, शक्टासुर को मारा कितना दिन थे, कौन सा जगह था, ये गए थे तो कहाँ गए थे, वृंदावन गए तो कौन सा उम्र था, नंदगांव पहुंचे तो वापिस कंसु मारने गए, ये गए वो गए, सारा 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 उम्र दे के रखो। तो वो डिटेल तो आपको मिल जाएगा, डिटेल मिल भी जाए तो लोगों से तर्क वितर्क करने में काम का है, पर भक्ति में भगवान से, माय गॉड मेरे भगवान इतने महान, इतने स्पेशल हैं, हाँ अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, ये भाव जब आप में आएगा तो आपको और सुनने का मन करेगा, है ना। तो ये इसमें डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे विदुर जी करें कृपया करके आप वापिस सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूँ। 8वां श्लोक, यहीस्तत्त्वभेदैर् अधिलोकनाथो लोकान् अलोकान् सह लोकपालान् अचिक्लपन् यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदो अधिक अधिकृतः पतितः। द सुप्रीम किंग ऑफ ऑल किंग्स हैज क्रिएटेड डिफरेंट प्लैनेट्स एंड प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन वेयर लिविंग एंटिटीज आर सिचुएटेड इन टर्म्स ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर एंड वर्क एंड ही हैज क्रिएटेड देयर डिफरेंट किंग्स एंड रूलर्स। तो यहाँ कह रहे हैं सभी राजाओं के राजा वो तो स्वयं भगवान है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तो भगवान राजा है, तो प्रजा कौन हुए, हम सब प्रजा हुए। अब हम सब में भी वराइटी है, एक जैसे तो सब है नहीं, तो उन्होंने क्या किया है, पूरे भूमंडल में डिवाइड करके रखा है, जो ज्यादा पुण्य करेगा वहां रहेगा, कर्म करेगा यहाँ रहेगा, जो पाप करेगा नरक में रहेगा, और जो उससे भी रहेगा वो नीचे वाले लोकों में रहेगा, जो अच्छा कर्म करेगा वो स्वर्ग लोक में रहेगा, उधर ऊपर भोगेगा। हर चीज का समय भी है, ये नहीं कि बस अब आ गया है तो चला गया, नहीं, वो कितना समय भोगेगा, क्योंकि उतना समय भोगने के बाद उसका एकदम जो चेंज हो जाएगा कॉन्शियसनेस, अपने आप वहां रह रहे के उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने गलती की है, वो चेंज है। इसलिए काल एक बहुत बड़ा शिक्षक है। तो भगवान क्या करते हैं, अगर कोई ऐसे नहीं समझता तो फिर उसको काल की गणना में रख देते हैं, फिर अपने आप समझ जाता है कि अरे इससे अच्छा तो ये था। ठीक है, तो यहाँ पे
जो क्या कहते हैं उसको, राजाओं के राजा है, और सभी जीवों को अलग अलग स्थान देते हैं, पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में देते हैं, जहां वो आराम से आलीशान बंगले वगैरह में रहते हैं, भगवान के भक्त ही रहते हैं लेकिन आलीशान रूप से रहते हैं और आराम से रहते हैं। और जो पाप कर रहे हैं, दुष्ट कर्म कर रहे हैं, दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, तो उनका अपना अपना एक अलग अलग स्थान है, उस स्थानों में रख के उनको दंडित किया जाता है ताकि वो समझें कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान वैसे सृष्टि रचाते हैं, ये मैं जानता हूँ, विदुर कह रहे हैं मैत्री, लेकिन आप कृपया करके मुझे भगवान की लीलाओं का श्रवण करवाएं। ठीक है, नौवां श्लोक, ये न प्रजानाम उत आत्मकर्मा रूपाभिधानाम च विदाम विदत्त नारायणो विश्वसृगात्मयोनि एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। ओ चीफ अमंग्स द ब्राह्मणस प्लीज ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ नारायण द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड सेल्फ सफिशिएंट लॉर्ड has differently created the nature's activities, forms, features and names of the different living creatures. Hey Brahman Shrestha, aap yeh bhi batlayein ki Brahmand ke Shrestha tatha Atmanirbhar Prabhu Narayan ne kis tarah vibhinna jeevon ke subhavon, karyon, roopon, lakshanon tatha namon ki prathak prathak rachna ki hai. तो अब ऑलरेडी ये विदुर जी जानते हैं, वरना ये क्वेश्चन ही क्यों आता, ये क्वेश्चन वो तब पूछ रहे जब वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं या पहले भी सुन चुके, लेकिन अब वो और सुनना चाहते हैं और बताइए। और ये सच्चे भक्त का प्रमाण है, कुछ लोग है ना क्रिएशन नहीं जानना चाहते, वो बस लीला सुनना चाहते, सेंटिमेंटली बस खुश रहना चाहते हैं, कुछ लोग आगे की सेवा नहीं करना चाहते, प्रचार नहीं करना चाहते, लेकिन विदुर जी सुन भी रहे हैं, आस्वादन भी कर रहे हैं और सभी प्रकार के ज्ञान को सुन रहे हैं और वो जाके प्रचार भी कर रहे हैं, धृतराष्ट्र जैसे को जाके उन्होंने डांट डांट के सिखाया। तो ये यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, भगवान कह रहे हैं कि हैज क्रिएटेड डिफरेंटली, अलग अलग प्रकार के लोगों को बनाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे कुछ काले लोग हैं और कुछ व्हाइट होते हैं, गोरे होते हैं, तो बोले कि जो काले होते हैं इन्होंने पिछले जन्म में कुछ कुछ पाप किया रहता है, तो भगवान उनको एक उनका दंड स्वरूप उनको काला जो शरीर है वो मिलता है, यानी मेरा रिकॉर्ड तो क्लियर है। और जो गोरे हैं वो बहुत पुण्य किए हैं या बहुत अच्छा अच्छा काम किया तो उनको वो मिला है, लेकिन वो भी क्षणिक है, अगर अभी काला मिला है और उसमें और पाप करेंगे तो और काला हो जाएगा, और अगर आप शुभ्र हैं लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं तो और शुभ्र हो जाएगा, लेकिन अगर आप गलत काम करें तो आप भी काला हो जाएगा, क्योंकि वो तो खेल है बस, ना सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, ऊपर गए फिर नीचे आए, तो वो हमारे हाथ में होता है ना, अगर हम जो चॉइसेस करते हैं उसके हिसाब से वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते थे डिविजन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक इन टर्म्स ऑफ वन्स व्हाइट एंड ब्लैक ड्यूटीज ऑफ लाइफ, पायस एक्ट्स लीड वन टू टेक बर्थ इन गुड एंड हाईली प्लेस्ड फैमिली, टू बिकम रिच और टू बिकम लर्नेड एंड टू एक्वायर ब्यूटिफुल बॉडीली फीचर्स। तो ये अच्छे घर में अगर जन्म मिले तो अच्छे शारीरिक गुण मिलते हैं और धन इत्यादि मिल जाता है, और इसी प्रकार अगर कोई इम्पायस एक्ट्स लीड वन टू बिकम पुअर बाय पेरेंटेज, वो जन्म से फिर गरीबी में भी रहता है, वो पिछले जन्म का रहता है, इस जन्म में आप बदल सकते हैं, एंड टू बी ऑलवेज इन वांट टू बिकम अ फूल और इलिटरेट पुअर बाय पेरेंटेज, तो गरीबी घर से आता है व्यक्ति पिछले जन्म के पाप के कारण, तो उसे पढ़ाई लिखाई में रुचि भी नहीं होती और वो पढ़ने में रुचि ही नहीं रखता, ना पढ़ना चाहता है, वो एक दिक्कत है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो उसके आगे जो है वो हम लोग थोड़ा सा कल देखेंगे, आज मैंने यहाँ तक परपोट पढ़ा है, अगला परपोट कल पढ़ूंगा, तो नौवें श्लोक तक हो गए, दसवां कल हम लोग लेंगे। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस जी, क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। लंदन में जो इस्कॉन है वहां पर कृष्ण सुदामा का
ड्रामा खेला था उन लोगों ने, सब डिवोटीज लोग थे। डिवोटीज मतलब ब्रह्मचारी एंड जो गृहस्थ लोग हैं जो कि ट्रेनिंग में है वहां पर, मंदिर पर ही रहते हैं, और बहुत ही अच्छा था। इट वाज नॉट इन ओपन एयर सर, दे हैड मेड टेंट्स, सो इट वाज ओनली क्लोज, चेयर्स वगैरह रखे हुए हैं और टर्न बाय टर्न पीपल यूज्ड टू कम एंड सिट डाउन एंड सो इट वाज गोइंग ऑन। मतलब वो प्ले बार-बार करना पड़ रहा था। या 24 आवर्स इट वाज गोइंग ऑन सर, इट वाज गोइंग ऑन। उन सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। वो एक बार कर दिया, फिर जब सब लोग निकल गए, अगेन देन पीपल स्टार्ट्स कमिंग एंड व्हेन द हॉल इज फुल देन दे वुड टू स्टार्ट द ओ हम लोग का भी वही हाल होना चाहिए। हम लोग भी भगवान को देखे, सुदामा के घर पे तो भगवान गए नहीं, लेकिन सुदामा भगवान पे पूरा निष्ठा था, फेथ था, भरोसा था, भगवान ने दर्शन भी किया। उस टेंपल के जो हेड पुजारी हैं, उन्होंने मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया है और फिर उन्होंने लिखा है, आई विल सेंड द कॉपी टू यू सर वंस। यस प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी की। दैट वाज ही हु वांटेड मी टू बी देयर इन द जन्माष्टमी। अच्छा, and see Janmashtami how we celebrate here. Achcha. And just because of the temple, my daughter has talked to him that my daddy is doing, then he was telling that real seva you are doing. That is real seva. You said that you are doing nothing, but especially if you ask that 24 hours, if what a man is thinking about God, that is the biggest seva. Ah. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। आप अनन्य भाव से जब चिंतन करते हैं भगवान का, और सततम कीर्तयन्तो माम, और सततम में करते हैं, तो भगवान फिर आपके हो जाते हैं। I will send you what he has written, sir. Yes, sir. Please. Thank you, brother. हाँ। सहदेव प्रभु। सहदेव प्रभु हाथ ऊपर किए लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। यस दिव्यांश पिता है चेतन महाप्रभु का फोटो में कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जब हम नाम जप करते हैं तो उसको प्रार्थना पूर्वक नाम जप कैसे करें? देखिए, नाम जप ही प्रार्थना है। नहीं प्रभु, जब हम नाम जप करते हैं तो क्या है, वो मन भटकता है। ऐसा हो गया ना कि जैसे आप भिक्षा मांग रहे हैं, समझो ऐसा कोई गरीब है, भीख मांग रहा है, तो वो ऐसा मुद्रा करेगा, रोएगा, भूख लगा है, कुछ दे दो, कुछ भी दे दो, सूखा रोटी दे दो, ऐसा कुछ भी दे दो बोलता है। तो उसको ये अगर सोच में आ रहा है कि मैं भीख कैसे मांगू, इसका मतलब भिखारी नहीं है। अगर उसको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं किस तरीके से भीख मांगू, इसका मतलब भीख अभी तक मांगा नहीं है। हरि नाम अपने आप में प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको भूल गया हूँ, लेकिन आप कृपया करके मुझे अपने निकट रखिए, ये भाव है आपका, ना सेवा दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर कोई किसी को सोचना पड़ रहा है तो वो गलत है, सोचना नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप में स्पॉन्टेनियस लव है कृष्ण के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रेयर है। ओके प्रभु जी, समझ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिनेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, वो कहते हैं कि भक्ति करने से जो प्रारब्ध का जो दुख होते हैं वो छोटा हो जाता है, कट जाता है, हल्का हल्का, मतलब छोटी में मिलता है। तो मेरा कहना है प्रभु की, जो सिर्फ दुख ही कम मिलता है कि जो सुख वाला जो मिलना होता था वो भी ज्यादा में मिलेगा कि वो भी हाफ हो जाएगा? देखो, भगवान क्या, भक्ति करने से पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तुम्हारे काम के नहीं है, समझ। अगर आप पुण्य भोगोगे तो पाप भी भोगना होगा। तो भगवान
पाप और पुण्य दोनों का सुख हटा देते हैं, केवल सुकृति और भक्ति का आनंद रखते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू। पुण्य के जाने की दर से भी लोग भाग नहीं जाना। यस गिरीश जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आप बोले कि काले लोग जो है थोड़ा सा मतलब पाप, नहीं नहीं बोले वो परपुट पढ़ लो। अच्छा, 3.5 point भगवान भगवान का रंग भी तो, प्रभु जी भगवान का रंग भी तो काला ही है, काला है। वो भगवान ने इसलिए रखा है ताकि हम काले लोगों को दुख ना हो। अच्छा ठीक है प्रभु जी। तो कर्मों का बात हो रहा है यहाँ पे, भगवान कर्मों में नहीं आते ना, हम सब आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आत्मग्लानी करना है, क्योंकि फिर ये एक ही फैक्टर नहीं, अनेक फैक्टर है। प्रभुपाद तो समझाने के लिए एक फैक्टर समझाते हैं, ठीक है। यस प्रवीण जी, प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस यस प्रभु जी, आपने आज के इसमें बताया शुक्राचार्य जी वामन राजदेव के स्तुति में ये बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो इसका मतलब ये जो हुआ कि शुक्राचार्य जी जो है भक्त थे, शुक्राचार्य के भक्त थे। शुक्राचार्य जानते थे कि इसकी महिमा क्या है, जैसे युद्ध होता है ना तो दो प्रकार दोनों लीडर्स होते हैं, वो जानता है कि अगर मैं इसको करूंगा, जैसे चेस खेलते हैं तो दोनों को मालूम होता है कि ये चाल चला तो ये अटकेगा, ये चाल चला दोनों को मालूम होता है, पर चलना पड़ता है। शुक्राचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो सारे असुर लोग उनके फॉलोअर्स, राक्षस गण उनको गाइड करते जी, कंफ्यूजन जो है वही था प्रभु जी की, अगर ये अगर भगवान के बारे में जानते हैं तो फिर वो जो दानव के ये कैसे थे, गुरु कैसे थे, इतना नहीं सोच जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, जितना भी भजन पूजन या जो भी कीर्तन या कुछ भी करती हूँ या पूजा पाठ जो भी हुआ भगवान के नाम से, अभी हाल ही में जन्माष्टमी का भी पालन व्रत किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है प्रभु जी कि मैंने गलत किया या अच्छा से नहीं कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मन में एक असंतुष्टि हमेशा रहती है। वो ऐसा है ना, हायर टेस्ट मिल जाए तो फिर लोअर में जाके मुश्किल हो जाता है। तो आपने अगर समझो किसी अच्छे मंदिर में जाके जन्माष्टमी किया है और आप यहाँ पे सिंपल में कर रहे हो, तो थोड़ा एक मेंटल लेवल पे कंपैरिजन होता है जो कोई काम का नहीं है, क्योंकि भगवान आपको उतना ही प्रेम देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा मेरे मन में भ्रम रहता है कि ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है ना। लेकिन भगवान आपको अपने सेवा दिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बस भ्रम है, गलती हो रही है ना, क्या मैं ठीक से कर क्यों नहीं पा रही हूँ, ऐसा लगता है, जबकि मैं अपने ओर से पूरा कोशिश करती हूँ, फिर भी मन में संतुष्टि बिल्कुल नहीं रहती है कि मुझसे अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, वो कंपैरिजन है, उसको छोड़ दीजिए जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस विजय माता। सवेरे सवेरे सुन के बहुत आनंद आता है प्रभु जी। Yes, yes. इंतजार रहता है कि कब 8:30 और मोबाइल के सामने बैठ जाए। थैंक यू। यस सुश्रुता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया था और बाद में सुद गोस्वामी ने बताया था, उसमें थोड़ा ही अंतर था ना? देखो ऐसा है, भागवतम का संकलन किसने किया, संकलन कंपाइलेशन वो व्यास देव जी ने किया। अब संकलन कब किया वो बताता हूँ। पहले ऑलरेडी ये जो भागवत है ये ऑलरेडी पहले ही ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कृष्ण ने स्वयं दिया, फिर यही ज्ञान उन्होंने मैत्रेय को भी दिया, उद्धव जी को भी दिया था, ये सब हो गया था, जो भी है ये सब जो इसमें लीलाएं हैं वो सब पहले हो चुकी थी। अब क्या हुआ, अब जब परीक्षित महाराज के ऊपर आपदा आई तो सुखदेव गोस्वामी के पास गए, तो ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी भागवत जानते थे क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बुला के सब ज्ञान दे दिया था, ठीक है। अब उन्होंने ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया,
वहां पे सूत गोस्वामी और रोमहर्षण सूत भी बैठे थे, रोमहर्षण जी भी बैठे थे वहां, बाकी नारद मुनि लोग भी बैठे थे। तो इन्होंने ये ज्ञान जो है वो वापिस सूत शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत गोस्वामी से, तो उन्होंने उनको जवाब दिया। और फिर ये जो सारा नरेशन है वहां व्यासदेव जी बैठे थे वो उन्होंने कंपाइल किया, समझ में आया। इसलिए व्यासदेव जी कहते कि शौनक आदि ने सूत गोस्वामी को चरा, सूत गोस्वामी जी ने शौनक और परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का रिलेशन बताया, फिर वहां उन्होंने उसका स्टोरी बताया। उस स्टोरी में अगर नारद युधिष्ठिर से बोल रहे हैं तो वो स्टोरी अलग, समझ में आया। तो ऐसा है, नरेशन में नरेशन, नरेशन में नरेशन। और प्रभु जी वो मतलब मैंने सुना था कि सुध गोस्वामी जब भागवतम सुनाने वाले थे उससे पहले कोई सुना रहा था, और बलराम जी ने वो घास का तिनका, रोमहर्षण का बेटा सुध गोस्वामी, ठीक है, इसलिए उसको बोलते रोमहर्षण सूत। तो रोमहर्षण जो थे वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन क्या होता है ना, ज्ञान से क्या फायदा, जो जिस ऑब्जेक्ट ऑफ लव बलराम जी वहां बैठे हैं वो आए हैं तो इमीजिएटली, अगर आपको कृष्ण प्रेम है तब ना कथा करना चाहिए, वहां भगवान आए हैं और आप घमंड में बैठे हो आसन पे, तो वह बलराम जी आए घास का तिनका लगाए उधर ही ऑन द स्पॉट अगले शरीर में प्रवेश, बोले ये तुम क्वालिफाइड नहीं हो। फिर किसको क्वालिफाई किया जाए, तो सुध गोस्वामी जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे तो वो क्वालिफाई हो गए, उन्होंने कथा किया। okay, प्रभु जी तो फिर बलराम जी ने कब अपने धाम में प्रस्थापन किया था, क्योंकि कृष्ण ने तो बहुत पहले ही वो धाम चले गए थे। अच्छा, आपका कहना है कि बलराम जी धाम कृष्ण धाम चले गए थे, कृष्ण पहले ही गए थे और बाद में सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बताया, फिर सुध गोस्वामी ने बताया, फिर भी बलराम जी वही थे ना, वो धाम यात्रा कर रहे थे। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अच्छा पॉइंट है ये, पर वो हिस्ट्री टाइमलाइन है, एक भक्त ने फेसबुक पे भेजा था तो वो उसमें पता नहीं बलराम जी का नहीं कृष्ण का दिखता, वो टाइमलाइन पता नहीं कहाँ क्या क्या है, कभी यज्ञ हो रहा था, क्योंकि परीक्षित का लीला हो चुका था, फिर शौनक आदि ऋषि भी थे वहां पे, तो हो सकता है बलराम जी कुछ समय एक्स्ट्रा रुके हों। नहीं, ये बलराम जी बोले थे वही वो वाला टाइम था, तो तब कथा चल रहा था। ओके, तो ये प्रभु जी हमारे सामने, और एक प्रभु जी है, वो कह रहे थे कि जब महाभारत में युद्ध हो रहा था तो युद्ध में वो बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब वो तीर्थ यात्रा में निकले थे, उस समय का ये लीला है। तो ऐसा प्रभु जी बता रहे हैं, अभी मुझे उसका हिस्टोरिकल टाइमलाइन में ढूंढना, मैच करना पड़ेगा, मैंने उस एंगल से पढ़ा नहीं तो खोजना पड़ेगा, अभी के लिए आप उसको उतना रख सकते हैं मेरी मामी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस यस, हरे कृष्ण। तो आप सबका, आपको नया हाथ नहीं दिख रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हम लोग कल मिलेंगे, है ना। बाकी अभी अभी एक्चुअली क्रिएशन का जो पूरा रचना है उसके बारे में विदुर जी पूछेंगे और मैत्रेय जी पूरा जवाब देंगे, फिर वापिस क्रिएशन आने वाला है। जैसा पूरे क्लासरूम में होता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ साइंस सबका क्लास होता है, तो जैसे जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं और मैथ्स का क्लास आता है उनको हैवी होने लगता है, या कभी कभी हम लोग को हिस्ट्री का क्लास समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि फ्रेंच वाला रिवॉल्यूशन किया ही क्यों, खा पी के सो जाते, हमारे तरह लंच बॉक्स खाते सो जाते, तो वो जब हिस्ट्री क्लास आता हैवी लगता था। तो वैसे भी थोड़ा सा क्रिएशन का पार्ट आएगा जो दोनों चर्चा करेंगे, हम लोग श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच, श्रील प्रभुपाद की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।
सभी प्रभु जी सभी वैष्णव कोटि कोटि।